हाई गाइज़ वेलकम बैक टू मोमकॉम इंडिया थर्टी की एज क्रॉस होने के बाद प्रेग्नेंट होना क्या ये सेफ है एंड अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो क्या ऐसे टिप्स हैं जिससे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी लोगों को स्ट्रेस दे देता है और काफ़ी कंसर्न कर देता है एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड मेरा नाम है मानसी मेरे दो बहुत प्यारे बच्चे हैं एक पाँच साल का बेटा है और एक सात महीने की बेटी है मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज़ थर्टी की एज के बाद हुई हैं दोनों ही प्रेगनेंसीज़ बहुत स्मूथ रही बहुत हेल्दी रही बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और मेरी दोनों डिलीवरीज़ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज रही हैं अब मैं अपने आप को काफ़ी फॉर्चुनेट मानती हूँ इस मामले में बट साथ ही मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया था तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे शेयर करूँगी कि 30 की एज के बाद अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हो सकता है कि आपका जो स्ट्रगल का पीरियड है वो थोड़ा कम हो सके आपको ये जान के हैरानी होगी कि मेरी जो फर्स्ट प्रेग्नेंसी थी उस टाइम पे ऑल दो मेरी एज कम थी मैंने इतनी इजीली कंसीव नहीं किया था मुझे कंसीव करने में ऑलमोस्ट एक साल लग गया था जिसमें मैंने काफ़ी कुछ इंक्लूड किया था गायनाकोलॉजिस्ट से जाके मिलना काउंसलिंग लेना हेल्थ चेकअप करना वेट लूज़ करना काफ़ी कुछ मेहनत करी थी मैंने उस टाइम पे और फिर जाके मैंने कंसीव किया एक साल बाद और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी जो पाँच साल बाद हुई वो एकदम से हो गई मतलब मुझे उसके लिए अपनी बॉडी को कुछ प्रिपेयर नहीं करना पड़ा कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो सो एज डेफिनेटली एक रोल प्ले करती है एक वुमन को कंसीव करने में हाउएवर अगर आप सही तरीके से अपनी बॉडी को तैयार करें तो काफ़ी हद तक आप एज को बीट भी कर सकते हैं तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसीज के टाइम पे सीखी फ्रॉम डॉक्टर्स फ्रॉम रिसर्च एंड फ्रॉम पीयर्स देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है आपका बॉडी वेट आपका बॉडी वेट कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है आपकी जो एज है जो हाइट है जो आपका बी है उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट कंट्रोल में होना चाहिए स्पेशली आप ओवर वेट साइड पर नहीं होने चाहिए अंडर वेट भी नहीं हो तो बेटर है बट ओवर वेट डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए तो मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे मेरा वेट थोड़ा हायर साइड पे था एंड मे बी दैट वाज अ रीज़न जो मैं कंसीव जल्दी नहीं कर पा रही थी मुझे याद है मैंने एरोबिक्स ज्वाइन किया एरोबिक्स ज्वाइन करने के बाद तीन महीने में मैंने अराउंड सिक्स के वेट लूज़ किया एंड आई कंसीव्ड सो इट कुड बी अ को और इट कुड जेन्यनली बी कि वो जो वेट था वही मेरा चैलेंज बन रहा था बट देन इट हैपन्ड तो इसीलिए मेरा बिलीव है कि वेट लूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी को प्लान नहीं किया था बिकॉज कोविड टाइम्स थे हावे उसी टाइम पे अराउंड सिक्स सेवन मंथ पहले से मैंने एक वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसके काफ़ी वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर डले हुए हैं एंड उस टाइम पर मैंने अराउंड टेन के वेट बिल्कुल नेचुरल वेज़ में रिड्यूस किया था एंड इमिजिएटली आई कंसीव जबकि हम उस टाइम पर प्लान भी नहीं कर रहे थे तो डेफिनेटली वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेन यू आर प्लानिंग टू कंसीव दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे एटलीस्ट थ्री टू सिक्स मंथ्स पहले आपको बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है स्पेशली थिंग्स लाइक स्मोकिंग एल्कोहल एंड कैफीन का कंजम्पशन आपका कट हो जाना चाहिए या फिर कैफीन एटलीस्ट काफ़ी हद तक आप रिड्यूस कर दीजिए और स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल कट कर दीजिए आपको अपनी बॉडी को एक झटका देना है कि आपकी बॉडी कंप्लीटली क्लीन हो जाए डिटॉक्सीफाई हो जाए और एक नए नेचुरल प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए तीसरी चीज मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि प्रेगनेंसी से पहले अपना एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराइए मैं ये सबको बोलती हूँ कि जब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले एक अच्छा गायनाकोलॉजिस्ट ढूंढो गायनाकोलॉजिस्ट से जाके मिलो वो आपकी काउंसलिंग करेंगे वो आपके कुछ हेल्थ चेक्स करेंगे स्पेशली डिसीजेज़ लाइक डायबिटीज़ थायरॉयड एंड थैलेसीमिया जो कि प्रेगनेंसी के लिए एक हिंड्रेंस बन सकती हैं और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है तो अगर आपको ऐसी कोई बीमारियां हैं तो इसके बारे में पहले ही पता चल जाना और इसका ट्रीटमेंट पहले ही शुरू हो जाना उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा तो आप अपना हेल्थ चेकअप पहले स्केड्यूल कराइए इनफैक्ट अपना ही नहीं अपने पार्टनर का भी हेल्थ चेकअप कराइए बिकॉज उनका भी एक बहुत मेजर रोल है इन इंश्योरिंग की आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है साइंस ऑफ कंसेप्शन काफी लोगों को यह मिथ है कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करोगे और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे वेल well, ऐसा नहीं होता है एक पूरा साइंस है व्हेन व्हेन इट इट कम्स कम्स टू टू कंसीविंग प्रेगनेंसी जी जो समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक काउंसलिंग अपॉइंटमेंट बुक करें तो आप ये चीजें उनसे डिस्कस करके समझें कि ऐसे कौन से दिन हैं हर महीने में जो आपका फर्टाइल विंडो होता है मतलब जब सबसे ज्यादा चांस होता है कि आपका एग रिलीज होगा और वो स्पर्म के कांटेक्ट से आके फर्टाइल हो सकेगा मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी किया हुआ है आप वो भी देख सकते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे ये पता चलता है कि आप ओव्यूलेट कब होते हैं या आपकी फ़र्टाइल विंडो क्या है क्योंकि हर किसी की जो पीरियड साइकिल होती है वो अलग होती है नंबर ऑफ डेज़ अलग होते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो फर्टाइल विंडो है ये सबकी अलग रहती है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी विंडो को समझना और साथ ही जो आपके पार्टनर हैं उनके स्पर्म की क्या क्वालिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज़ कई बार ऐसे होता है कि आपने अपने फोर्टाइल विंडो में एग रिलीज़ कर दिया हावएर जो स्पर्म आया आपके पास उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी वो पहले ही डाई डाउन हो गया और वो कॉन्टैक्ट हो ही नहीं पाया जिसकी वजह से प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई इसीलिए मैं बारी बारी ये रिकमेंड करती हूँ कि जब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हो तो इट इज़ नॉट ओनली द वुमन द मैन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इसीलिए उनका भी ठीक होना उनका डिटॉक्सीफाई करना उनका अपनी बॉडी को क्लीन करना एक्टिव रहना हेल्दी रहना और अपना हेल्थ चेकअप कराना भी इक्वली जरूरी है नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी फॉलिक एसिड का कंजम्पशन तो अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू काउंसलिंग लेके प्रेगनेंसी के लिए प्लान करो तो आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि प्रेग्नेंट होने से एटलीस्ट तीन महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड की एक टैबलेट रोज लेना स्टार्ट कर देना चाहिए इससे क्या होता है कि बच्चे में जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं या जो न्यूरो डिफेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं देखिए होता क्या है कि लेट प्रेगनेंसी को थोड़ा हाई रिस्क प्रेगनेंसी माना जाता है स्पेशली 35 के बाद जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि बच्चे में कोई अब हो जाएँ कोई डिफेक्ट्स हो जाएँ या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए प्री डिलीवरी हो जाए तो इन्हीं सब कॉम्प्लिकेशन्स को हटाने के लिए डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपका एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो एंड फॉलिक एसिड स्पेशली आप पहले से लेना स्टार्ट करें जस्ट इन केस आप पहले से नहीं ले पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है द मोमेंट आप प्रेग्नेंट होते हैं डॉक्टर्स इमिजिएटली आपको फॉलिक एसिड पे डाल देते हैं बट मुझे याद है फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में क्योंकि मैंने सब कुछ प्लान करके कर रही थी तो मैंने फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिया था डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर में थोड़ा अनप्लान था तो द मोमेंट मुझे पता चला मैंने इमीजिएटली फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिया अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है स्ट्रेस स्ट्रेस डायरेक्टली प्रेगनेंसी का एक एनिमी है आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है आपके काम का स्ट्रेस घर का स्ट्रेस रिलेशनशिप का स्ट्रेस या फिर सब कुछ छोड़ दीजिए प्रेग्नेंट ना हो पाने का स्ट्रेस ये जो स्ट्रेस है ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए एक हिंड्रेंस है अगर आप स्ट्रेस लेते रहेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो आपकी फर्टाइल विंडो होती है उस टाइम पे स्पेशली यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड हो सके तो आप ट्रैवल कीजिए बाहर चले जाइए चेंज ऑफ प्लेस कीजिए मेडिटेट कीजिए कुछ भी ऐसा कीजिए जो उस टाइम पे आपको काफ़ी काम करे आपके पार्टनर को काफ़ी काम करे एंड यू नो थिंग्स हैपन इन अ वेरी हैप्पी एंड नेचुरल वे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ क्योंकि मैंने अराउंड एक साल लगाया कंसीव करने में तो जब मैंने अपनी फर्स्ट विजिट डॉक्टर के पास करी थी तब से एवरी मंथ मुझे ये होप होता था कि यू नो दिस मंथ मैं कंसीव कर लूँगी बिकॉज हेल्थ वाइज आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन फर्टाइल विंडो मैंने समझ ली थी सब कुछ हो गया था बट देन यू नो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं तो एवरी मंथ जब मेरे पीरियड्स आ जाते थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो रहा क्या मैं कर भी पाऊँगी या नहीं यू नो मे बी मेरे में कोई प्रॉब्लम है यू you नो know, मेरे पार्टनर को लगता था कि मे बी उनमें कोई प्रॉब्लम है सो ये स्ट्रेस इज़ वेरी नेचुरल जब यू आर ट्राइंग एंड इट्स नॉट हैपनिंग एंड गैज़ यू वोट बिलीव दैट आफ्टर ट्राइंग फॉर अबाउट टेन इलेवन मंथ्स हमने ये डिसाइड किया कि अब हम नहीं ट्राई करेंगे अब नेचुरली होगा तो होगा बट हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे लाइफ में जो भी हमारे लिए लिखा है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट द मोमेंट वी डिसाइडेड टू डू दैट

कूल cool रहे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटेड ना रहे तो बहुत ही जरूरी है जैसे दही का सेवन आप रोज़ कीजिए अनार खाइए टोमेटोस खाइए बीटरूट खाइए खून बनना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे पम्पकिन सीड्स फ्लैक्स सीड्स नट्स का कंज़म्पशन स्पेशली वॉलट्स ये सारी चीजें बोली जाती हैं कि आपको डेफिनेटली इस टाइम पे लेनी चाहिए आपको भी और आपके पार्टनर को भी बिकॉज ये बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट करती हैं तो अपनी डाइट को थोड़ा इस तरीके से प्लान कीजिए कि डेली आप ये सब चीजें जरूर लें एंड दैट्स अबाउट इट गाइज ये सब चीजें आप अपनी तरफ से करिए बाकी इट्स अ नेचुरल प्रोसेस सो जस्ट लीव इट टू गॉड जो होगा वो होगा बट अपनी तरफ से आपने सारी कोशिश कर ली एटलीस्ट वो गिल्ट आपको नहीं रहेगा सो so ये सब आप जरूर करिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए थोड़े टाइम के लिए एक स्टेप बैक लीजिए क्योंकि आप इतना बड़ा फेज अपनी लाइफ में चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा चाहे वो आपकी जॉब हो चाहे वो आपका काम हो चाहे वो आपकी फ़िजिकल अबिलिटी हो सो मेक श्योर दैट योर बॉडी इज़ रेस्टेड मेक श्योर यू आर हैप्पी मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल फेज़ ऑफ़ लाइफ एंड डेफिनेटली थिंग्स विल कम योर वे ऑल्सो मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले टाइम्स में क्या होता था ये बोला जाता था कि जल्दी प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए यू नो लेट ट्वेंटीज़ में आपको अपने बच्चे कर लेने चाहिए थर्टीज़ के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है बट अब ऐसा नहीं बोला जाता अब बेसिकली क्या हुआ है जो मैरिज एज है वही आगे शिफ्ट हो गई है तो पहले लोग बीस इक्कीस साल में शादी कर लेते थे चौबीस पच्चीस में अपना फर्स्ट बेबी करते थे और अट्ठाईस उनतीस में सेकेंड बेबी कर लेते थे अब चेंज हो गया है अब लोग शादी ही सताइस अट्ठाइस में करते हैं तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट और सेकेंड बेबी जो है वो आपके थर्टीज़ में आ जाता है विच इज़ एब्सोलूटली फाइन और इसीलिए जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की एज है उसको थर्टी फाइव प्लस कर दिया गया है बट हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी हो वो हमारे हाथ में है इसीलिए ज़रूरी है कि अपना हेल्थ चेकअप पहले कराएँ टाइम पे मल्टाविटामस को स्टार्ट करें डाइट को एकदम बढ़िया तरीके से अच्छा कर दें एंड होप करें कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हैं तो कॉमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा आई वुड बी हैप्पी टू आंसर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉम इंडिया बबाई